का सरकार का मुखिया कि हम 7 महीना से कह रहे हैं कि हमसे बात कर लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, लोकतंत्र की गरिमा को मत गिराइए, लोकतंत्र के महत्व को सुनिए, लेकिन यहाँ के अहंकारी मुख्यमंत्री ने आपके किसी भी प्रतिनिधि से बात नहीं करने का काम किया है। तो आज इस मन से माँ सीता की धरती से आनंद कौशल जो भी मुख्यमंत्री के सिपल सलाहकार होंगे, जो उनकी पार्टी के लोग होंगे, उनको उन तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिए। ये हड़ताल तो अभी शुरुआत है मुख्यमंत्री जी, ये हड़ताल 17 फरवरी से तो अभी शुरुआत है। बिहार के किसी भी प्रखंड में आपको घूमने नहीं देंगे अगर हमारी मांग बजट 17 में पारित नहीं किया गया तो। सर्च करवाते रह जाइएगा काला कपड़ा, हम लोग टोटली हड़ताल में काला ही कपड़ा पहन करके सड़क पर चलेंगे और जहां मिलेगा आपके सामने उसको खोल के लहरा देंगे। यह ऐलान है सीतामढ़ी की धरती से, मजाक करने के लिए, शिक्षक मजाक करने का चीज है। कुछ नहीं समझ में आता है, जब मन में आया कोई आया उलट पुलट बयान दे के चला गया कि शिक्षक को कुछ नहीं आता है। भाई कुछ नहीं आता है तो ऐसा ही सरकारी स्कूल के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ नहीं आता है। डीएबी डीपीएस कितने लोगों को पढ़ाता है? आपके ब्लॉक में कितना स्कूल है, कितने बच्चे हैं यहाँ सरकारी स्कूल में, कितना बच्चा है? 40,000। प्राइवेट स्कूल पूरे ब्लॉक में क्या होगा, अंदाज से बताइए। 20 गो मान लिए हम, 20 गो बच्चे स्कूल में कितना बच्चा पढ़ता होगा? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। 90% बच्चा जो है समाज का वह सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूल में जो उसको पढ़ाकर उसका भविष्य का निर्माण करते हैं उसके साथ यहाँ की सरकार खिलवाड़ कर रही है, यह बात बताना होगा। हमको कहता है इसमें 2 कमरा था, 3 कमरा है, आप 8 क्लास को पढ़ा दीजिए। अरे आप क्या सोचते हैं, डीएबी में जो डीपीएस से बच्चा पढ़ता है, डीएबी में आप चले जाइए 1 क्लास में अपने बच्चों का किसी का एडमिशन कराने तो 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, क्या बात है भाई। उसमें नियम है, आरटी लागू हो गया शिक्षा अधिकार कानून, कि 1 कमरा में 30 बच्चा से ज्यादा नहीं बैठेगा। और यहाँ गरीब का बच्चा के साथ क्या व्यवहार है कि भाई पहला दूसरा तीसरा 1 कमरा में घुसा दो और दे दो क्वालिटी एजुकेशन। मुख्यमंत्री आइए सीतामढ़ी की धरती पर, अब बताइए आपके 1 कमरा में पहला दूसरा तीसरा को बैठा के क्वालिटी एजुकेशन कैसे देते हैं। समाज का माहौल खराब करता है, व्यवस्था नाम का कोई चीज है नहीं। जो सड़ा गला व्यवस्था आपका है उसमें हम अपना खून पसीना जलाकर क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं तो शाबाशी न देगा। आज का कार्यक्रम किस विषय पर था और इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, बिहार में सरकार के हठधर्मिता और तानाशाही के खिलाफ हम बिहार के सभी लाखों लाख शिक्षक अब हड़ताल पर 17 फरवरी 2020 से जा रहे हैं। इसलिए हड़ताल हमारा सफल हो उस अभियान को 1 फरवरी से हम लोग आप माँ सीता की धरती सीतामढ़ी के नानपुर से आज हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है कि हमको हड़ताल को हर कीमत को सफल बनाना है। हम लोग विद्यालय विद्यालय प्रखंड प्रखंड घर घर शिक्षक भाई बहन को प्रेरित कर रहे हैं कि आप सभी लोग निश्चिंत होकर विद्यालय में ताला मार दीजिए और ये तानाशाह सरकार के खिलाफ 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सभी शिक्षक आज सीतामढ़ी में एकजुट हुए, सभी ने संकल्प लिया कि जब तक हमें पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान सेवा शर्त और पेंशन नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और 17 फरवरी से बिहार के 75,000 विद्यालय में ताला बंद कर दिया जाएगा। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 28 संगठन एकजुट होकर के यह आह्वान किया है, यह निर्णायक ऐलान किया है सरकार के खिलाफ कि 17 फरवरी से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ होगा और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जेल भरो अभियान भी चलाएंगे और नीतीश कुमार फिर भी नहीं माने तो एमएलसी के चुनाव में एक भी सरकार के उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात पर संज्ञान नहीं लेगी तो बिहार के मुख्यमंत्री को किसी भी ब्लॉक में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में शांति से आने जाने नहीं दिया जाएगा। उनके हर सभा में नियोजित शिक्षक जाएगा, प्रदर्शन करेगा, उनका घेराव करेगा। इसलिए यहाँ के तानाशाह सरकार से सीतामढ़ी की धरती से माँ सीता की धरती से हम लोगों ने प्रार्थना भी किया है कि आप हमारा मांग 17 फरवरी से पूरा पहले पूरा कर दीजिए, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और बिहार में शिक्षक आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन का भी शंखनाद हम लोगों ने 17 फरवरी से कर दिया है। आज उसी के लिए सीतामढ़ी में हम लोग सीतामढ़ी के नानपुर में जुटे थे और यहाँ पर से सभी शिक्षक भाई बहन ने संकल्प लेकर अभी इस सभा को समाप्त किया है। धन्यवाद। आनंद कौशल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक।